और इस बीच बड़ी खबर, जहां आज चैत्र नवरात्र का आठवां दिन है, मां महागौरी की होती है इस दिन पूजा, चंद्र की तरह है देवी महागौरी का स्वरूप, मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब। तो आज नवरात्रि का आठवां दिन है, यानी कि आज के दिन अष्टमी मनाई जाती है और इस दिन माँ गौरी की पूजा अर्चना होती है। साथ ही साथ कई लोग अष्टमी भी मनाते हैं, कन्याओं को भोज करवाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं उनका, क्योंकि कन्याएं जो हैं माँ दुर्गा का रूप होती हैं, कन्याएं जो हैं माता का स्वरूप होती हैं, जिसको लेकर के कन्याओं का पूजा अर्चन किया जाता है। आपको बता दें कि आज महागौरी की पूजा की जाती है और इसी अवसर पर तमाम भक्तगण मंदिर परिसर में पहुंच रहे हैं, मंदिरों में माता के दर्शन ले रहे हैं, माँ का आशीर्वाद ले रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं तमाम भक्तगण जो हैं मंदिर में पहुंच रहे हैं और तमाम भीड़ देखने को मिल रही है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ मुकेश सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। मुकेश, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से आज नवरात्र का आठवां दिन है, आज महा गौरी की पूजा की जाती है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है मंदिरों के अंदर? जी सोनाली, बिल्कुल बताना चाहूंगा, चैत्र नवरात्र चल रहे हैं और नवरात्र का आज आठवां दिन है और अष्टमी के दिन माता महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि जो आमेर का विश्व प्रसिद्ध मंदिर शिला माता मंदिर है, यहाँ पे सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है और पिछले 9 दिन में लगातार यहाँ पे भक्तों की भारी भीड़ होती है। इसी के चलते यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी लगातार मुझसे अपने ड्यूटी निभा रहा है और महिलाओं के लिए अलग से सुरक्षा की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। कई भक्त यहाँ पे सुबह से ही अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। एक भक्त हमारे साथ जुड़े हुए बातचीत करते हैं। मई जी, लगातार नवरात्र चल रहे हैं, आज अष्टमी का त्यौहार है, माता महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है, किस तरीके से यहाँ पे माता का दर्शन करने के लिए भक्त आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि शिला माता जो मंदिर है वो बहुत फेमस एंड पॉपुलर टेम्पल है और 9 दिन का जो फेस्टिवल है वो यहाँ मनाया जाता है। अभी चूंकि भूख लग रहा है, 8 बजे से 8:15 बजे तक का जो है वो भूख का समय होता है, तो इसीलिए जो है क्राउड को नीचे रोका गया, मगर बहुत ही अच्छी तादाद में जो है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय बाद जो है यहाँ मेला लगा है तो भक्तों की तादाद अच्छी है। मंदिर के अंदर में जो है समय है वो सुबह 6 बजे से लेकर 12:30 बजे तक है और शाम को 4 बजे से लेकर 8:30 बजे तक का समय रहता है। आज अष्टमी का दिन है तो यहाँ पे जो है हम लोग बोल सकते हैं हवन पूजा होगी, कल यहाँ निशा पूजा हुई थी और 11 तारीख को जो है यहाँ पे नवरात्रा उत्थान किया जाएगा। आज माता का अष्टमी का पूजन है, क्या विशेष रहने वाला है माता के मंदिर में? देखिए, आज के दिन जो है यहाँ मंदिर में जो है एक बहुत ही खूबसूरत सा जो है श्रृंगार हम लोग बोल सकते हैं माता के जो है वो किया गया है। उसके अलावा जो है यहाँ पे जो हवन होती है, हवन की जो पूर्णा होती है वो होगा शाम को यहाँ पे 4:30 बजे। उसके अलावा जो माँ का जो हम लोग बोल सकते हैं जो स्वरूप है, जो विषय है, वो शक्ति और काली दोनों के रूप में शिला माता कहा जाता है, क्योंकि जो ईस्ट पार्ट ऑफ बंगाल में एक जगह है जशूर, वहां से जो है स्वरूप को लाया गया था राजा मानसिंह जी के द्वारा, तो इसीलिए बंगाली लोग जशरेश्वरी काली भी बोलते हैं। तो शिला देवी, काली और जशरेश्वरी तीनों नाम से जो है माँ को जाना जाता है। मानसिंह, अगर इतिहास की बात करें तो अकबर के सेनापति थे और शक्ति जो है, क्योंकि अकबर के जो नवरत्न थे उसमें से एक मानसिंह को जाना जाता था एज ए फाइटर, तो शक्ति की जो हम लोग बोल सकते हैं उपासना करते थे वो माँ भगवती के सामने ही करते थे। आज भी जो है ये मंदिर राज परिवार के अंदर, तो राज परिवार के ही जो है सिस्टम यहाँ चलता है, प्रशासन बहुत अच्छी व्यवस्था की है इस बार यहाँ पे और बहुत ही अच्छे से जो है हम डे बाय डे हम लोग देख रहे हैं जैसा भीड़ बढ़ती है घटती है, पूरी व्यवस्था सिस्टमेटिक तरीके से लाइन लगा करके प्रशासन की तरफ से यहाँ बहुत अच्छी सुविधा की गई है। बिल्कुल, भाई जी ने बताया, लगातार यहाँ पर प्रशासन की ओर से व्यवस्था की जाती है और सुबह से ही भक्त यहाँ पर आए हुए हैं दर्शन के लिए। अभी भोग का समय चल रहा है तो यहाँ पर बैरिकेड लगातार व्यवस्था की गई है ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो, और साथ ही जो पुलिस प्रशासन है वो भी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको दिखाना चाहूंगा किस प्रकार की पुलिस प्रशासन है वो यहाँ पर खड़ा है और किस प्रकार से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। आपको दिखाना चाहूंगा सुबह से समय से भक्त अपनी बारी का इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं और भक्तों को जो वहाँ पर रोका गया है, क्योंकि अभी जो समय है वो भोग लगाने का है, माता के अभी भोग लगाया जा रहा है, इसके चलते यहाँ पर भक्तों को रोका गया है। भक्तों की भारी भीड़ आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर। जी जी मुकेश, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि चंद्र की तरह माँ देवी का रूप है और एक तेज देखने को मिलता है महामा गौरी के स्वरूप को देखते हुए। तो आज चैत्र नवरात्र का आठवां दिन है और इस आठवें दिन पर
अष्टमी कहा जाता है, अष्टमी पूजा की जाती है, अष्टमी पूजन होता है। साथ ही इस दौरान कन्याओं को भोग भी कराया जाता है, कन्याओं की पूजा अर्चना की जाती है। इस अवसर पर 7 या 8 या 9 कन्याओं को भोज कराया जाता है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है। वहीं कुछ घरों में 5 कन्याओं को भी भोग कराया जाता है। तो ये अलग अलग देखने को मिलता है। माँ महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है, चंद्र की तरह देवी महागौरी का स्वरूप है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से कोरोना काल की वजह से पहले नहीं हो पा रहे थे भक्तगण नहीं पहुंच पा रहे थे मंदिरों के अंदर, और कपाट भी बंद थे, और देवी माँ का आशीर्वाद नहीं ले पा रहे थे मंदिर के अंदर जाकर के, ना ही प्रसाद दिया जा रहा था, ना ही प्रसाद चढ़ाया जा रहा था, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी अनिवार्य था, और साथ ही साथ मंदिर के कपाट भी बंद थे। तो एक दूरी सी देखने को मिली, जहाँ भक्तगण जो है काफ़ी ज़्यादा नाराज भी हुए थे उस दौरान। लेकिन अब जब कोरोना खत्म होता हुआ नज़र आ रहा है, और अब देखने को मिल रहा है कपाट भी खुल गए हैं, और माँ गौरी की पूजा अर्चना हो रही है, साथ ही साथ भक्तगण की एक लंबी कतार देखने को मिल रही है।